दोस्तों अश्विन वैसे तो शांत स्वभाव के खिलाड़ी है, लेकिन अगर उनसे कोई पंगा लेता है तो वो भी जवाब बिल्कुल देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली और कोलकाता के बीच मैच में, जब अश्विन का बहुत ज्यादा टेम्पर हाई हो गया। जी हाँ, क्या था पूरा मामला आइए आपको बताते हैं दोस्तों। दोस्तों दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही, उनकी पूरी टीम 127 रन पे ऑल आउट होगी। उसी बीच जब अश्विन बल्लेबाजी करने आए थे तब वो टीम सऊदी की गेंद पे आउट हो गए। वो आउट होके जा ही रहे थे कि तभी टीम सऊदी ने उन्हें कुछ स्लेज करने की कोशिश की। वो उससे बहस कर ही रहे थे दोस्तों कि तभी इयान मॉर्गन बीच में कूद पड़े। शायद वो बीच बचाव के लिए कूदे होंगे, लेकिन अब अश्विन ने टीम सऊदी को छोड़कर इयान मॉर्गन के साथ बहस शुरू कर दी। तभी दिनेश कार्तिक बीच में आ गए। हालांकि दोस्तों रविचंद्र अश्विन ने उन्हें अगले इनिंग में आउट करके अपना बदला पूरा कर लिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस वक्त इयान मॉर्गन का विकेट रविचंद्र अश्विन ने लिया और अपना बदला भी पूरा किया। हालांकि स्लेजिंग आगे बढ़ सकती थी, लेकिन दिनेश कार्तिक बीच बचाव के लिए बीच में आ गए और इयान मॉर्गन को भी साइड किया, और उन्होंने खास करके अश्विन को पूरी तरह से साइड कर दिया, जिसके बाद अश्विन चुपचाप पवेलियन की ओर चले गए। लेकिन जब अगली पारी में अश्विन गेंदबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने बिना किसी देरी के इयान मॉर्गन को चलता कर दिया, और जिसके बाद आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपना बदला ले लिया इयान मॉर्गन से। तो दोस्तों आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इसमें किसकी गलती थी, रविचंद्र अश्विन की, टीम सऊदी की, या फिर इयान मॉर्गन की? हालांकि दोस्तों गलती किसी की भी हो, विवाद किसी का भी हो, आईपीएल एक तरह से बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जो कि भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। यहाँ पे आईपीएल रिलेटेड हर एक वीडियो आपको मिलती रहेगी।